और अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां सालमगढ़ में 7 साल के बच्चे को गर्म सलाखों से दागने का मामला सामने आ रहा है। गंभीर हालत में 7 साल के मासूम भरत को रतलाम के MCH अस्पताल के PICU वार्ड में वेंटिलेटर पर रखा गया है। घटना रतलाम जिले के निकटवर्ती क्षेत्र सालमगढ़ की है, जहां बीमार होने पर परिजनों ने ही अंधविश्वास के चलते उसे गर्म सलाखों से दाग दिया, जिसके बाद बच्चे की हालत बिगड़ गई। परिजन उसे पहले राजस्थान के दालोद लेकर गए, जहां डॉक्टरों के द्वारा मना कर देने पर रतलाम के MCH अस्पताल पहुंचाया गया है। MCH के डॉक्टर नावेद कुरैशी ने बताया कि बच्चे की हालत क्रिटिकल बनी हुई है, उसे लगातार झटके आ रहे हैं। दरअसल ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में बीमारियों का देसी तरीके से उपचार करने के नाम पर गर्म सलाखों से दागने का जानलेवा अंधविश्वास प्रचलित है, जिसकी वजह से कई मासूम सही उपचार के अभाव में अपनी जान गंवा बैठते हैं। ये ताजा मामला है राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के सालमगढ़ गांव का, जहां 7 साल के मासूम भरत को उसके ही घर के लोगों ने उल्टी और बुखार की शिकायत होने पर गर्म सलाखों से दाग दिया और उसके बाद अब उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। रतलाम के MCH अस्पताल की PICU यूनिट में मासूम भरत वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। हालांकि बच्चे के परिजन अब इस मामले पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। PICU कैन चार्ज डॉक्टर नावेद कुरैशी ने कहा कि बच्चे की हालत अभी भी गंभीर है, उसे वेंटिलेटर पर लेकर उपचार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। 6 साल हुआ था, 7 साल का बालक है, प्रतापगढ़ का रहने वाला है। कल मॉर्निंग में हमारे पास आया था PICU में, बच्चे की कंप्लेंट हिस्ट्री ये थी कि बच्चे को सीवियर कन्वर्जन आ रहे थे और फीवर आ रहा था, कॉन्शियस नहीं था, बेहोशी की हालत थी। और जब बच्चे को जनरल एग्जामिनेशन किया तो उसको शरीर जगह जगह 2-3 जगह बैंडिंग पाई गई, जिसे हम लोग दाम बोलते हैं, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिली है। लेकिन ये चीज़ अक्सर पेरिफेरीज में देखी जाती है, क्योंकि यहाँ पर आसपास का जो एरिया है वो लेस एजुकेटेड है, लेकिन मेडिकली इन सब चीज़ों से कुछ प्रूवन है नहीं और कुछ होता नहीं है, तो वी डोंट सपोर्ट सच थिंग्स।